आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के आरक्षण सीमा बढ़ाए जाने के फैसले को खारिज कर दिया है। राज्य सरकार ने एससी एसटी ओबीसी और ईबीसी को 65% आरक्षण देने का फैसला लिया था, जिसे रद्द कर दिया गया है। नीट और नेट यूजीसी एग्जाम विवाद पर राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि कुछ कारणों से नरेंद्र मोदी भारत में पेपर लीक नहीं रोक पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते। नीट एग्जाम विवाद के बीच बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने बड़ा खुलासा किया है। सिन्हा ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले के आरोपियों के लिए सरकारी गेस्ट हाउस तेजस्वी यादव के निजी सचिव ने बुक कराया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में नीट यूजी काउंसलिंग पर रोक लगाने से फिर इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि आखिरी सुनवाई के बाद परीक्षा कैंसिल होती है तो काउंसलिंग भी कैंसिल कर दी जाएगी। छतरपुर में पदस्थ आईपीएस अधिकारी सचिन शर्मा के नाम से फर्जी आईडी बनाकर लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज पैसों की मांग किए जाने का मामला सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में जंगलों और नालों के किनारे 50 से ज्यादा कटी हुई गाय मिली। अधिकतर गायों के सिर कटे हुए हैं, जिससे लोगों में काफी आक्रोश है। कटनी जिले के कचगांव में सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां अज्ञात लोगों ने सिमको कंपनी के चूना भट्टी में वही के मैनेजर को जिंदा झोंक दिया। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। जबलपुर में 9वीं की छात्रा ने घर में ही फांसी लगा ली। बताया जा रहा है कि 14 साल की आरुषि सिंह मोबाइल पर ही गेम खेल रही थी। मां ने उसे इसी बात पर डांट दिया था। मिर्जापुर सीजन 3 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। 2 मिनट 37 सेकंड के इस ट्रेलर में एक्शन, ड्रामा और रिवेंज का कंप्लीट डोज है। इस बार कई नए किरदारों की एंट्री भी हुई है। आज के बुलेटिन में इतना ही। ऐसी और भी जानकारियों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए और सुनते रहिए नेशनल मिरर।